नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। आरटीओ के बाबू ने बिजली अफसर की पत्नी को लाइसेंस में संशोधन के बताए नियम, ऑफिस का कनेक्शन काट बेटी। 75 वर्षीय पाइप सास को सड़क पर छोड़ गई बहू, एसआई ने पौन घंटे में बहू को ढूंढा। वाहन पर लगी नेम प्लेट हटाने को लेकर महिला सूबेदार और पंधाना विधायक में हुई बहस, पंधाना चौकीदार का कटा चालान। आईटी रिटर्न्स एडवांस टैक्स नहीं देने वालों पर कार्रवाई करेगा आयकर विभाग, 5 मार्च से पहले ही अंतिम तारीख का दिया जा चुका है नोटिस। सुपर कॉरिडोर को धार से जोड़ने के लिए जल्द बनेगी नई सड़क, 75 मीटर की चौड़ी सड़क होगी शुरू, नवादा पंथ के पास धार रोड से जुड़ेगी। रावजी बाजार क्षेत्र के एक बदमाश ने रविवार रात शहर में 2 जगह की वारदात, कांग्रेस नेता के पेट्रोल पंप के गार्ड पर गोली चलाई, ऑटो डील की 8 कार के कांच फोड़े। जिला जेल में महिला प्रहरी से की छेड़छाड़, आरोपी हेड कांस्टेबल को किया सस्पेंड। शहर में बड़े उत्साह से मनाई गई रंग पंचमी का त्योहार, शहरवासियों ने जमकर मचाई धूम। वर्दी की शर्ट उतारकर मैदान में आ गए सीएसपी, रंग पंचमी के दौरान कांग्रेस नेता और समर्थकों का पुलिस से हुआ था विवाद। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने वाले कर्मचारी बैठे धरने पर, नियमित वेतन नहीं मिलने से नाराज। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।